दोस्तों टेक्निकल प्रजय में आपका स्वागत है और मैं फिर से आप सभी के लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ चुका हूँ। दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे रियलमी से कि दोस्तों रियलमी की तरफ से अपकमिंग दो नए स्मार्टफोन रियलमी G1 साथ ही दोस्तों रियलमी Y6 फाइनली दोस्तों आज रियलमी के यूरोपियन वेबसाइट के ऊपर स्पॉट किया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन शायद हमें बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं इस रियलमी की तरफ से आने वाली रियलमी G1 और Y6 के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों क्या आप इस रियलमी की तरफ से आने वाले दो अपकमिंग नए स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टेक्निक की ओर जो कि निकल के आ रही है पोको की तरफ से कि दोस्तों पोको की तरफ से अपकमिंग एंट्री लेवल स्मार्टफोन पोको C31 है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की फाइनली दोस्तों ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म होकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों जो पोको की तरफ से अपकमिंग एंट्री लेवल स्मार्टफोन पोको C31 है ये दोस्तों फाइनली 30th of September को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं इस पोको की तरफ से आने वाले एंट्री लेवल स्मार्टफोन में हमें क्या खास फीचर देखने को मिलती है इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे नोकिया की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों नोकिया जो है वो शायद बहुत ही जल्दी अपने एक विंडोज पावर्ड लैपटॉप को लॉन्च करने वाला है और फाइनली दोस्तों आज इसकी जो ऑफिशियल लॉन्च डेट है ये भी कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों जो नोकिया की तरफ से विंडोज 11 पावर्ड बिजनेस लैपटॉप है ये फाइनली 3rd of October को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं इस नोकिया की तरफ से अपकमिंग लैपटॉप में हमें क्या खास फीचर देखने को मिलती है इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों आप में से कौन कौन इस नोकिया की तरफ से आने वाले लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों यहाँ पे Xiaomi की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों जो Xiaomi की तरफ से सीवी वाली स्मार्टफोन है ये दोस्तों फाइनली आज चाइना के अंदर लॉन्च हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये शायद हमें बहुत ही जल्दी इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं Xiaomi की तरफ से अपकमिंग जो सीवी वाला स्मार्टफोन है ये हमें कब तक इंडिया में देखने को मिलती है इसकी लॉन्च डेट के बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों लगे रियलमी की तरफ से खबर आ रही है कि दोस्तों रियलमी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन रियलमी RMX3491 फाइनली दोस्तों आज IMEI डाटाबेस के ऊपर मुकुल शर्मा जी द्वारा स्पॉट किया गया। इसका मतलब दोस्तों हमें बहुत जल्दी Realme की तरफ से ये नया स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं इस Realme की तरफ से अपकमिंग Realme RMX3491 के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज की आखिरी टेक्निक्स की ओर जो कि निकल के रही है Oppo की तरफ से कि दोस्तों Oppo की तरफ से एक नया स्मार्टफोन Oppo A95 फाइनली दोस्तों आज TKDN सर्टिफिकेशन के ऊपर सर्टिफाई हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों हमें Oppo की तरफ से एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं इस Oppo की तरफ से आने वाली Oppo A95 के बारे में और क्या खास इन्फॉर्मेशन निकल के आती है इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या आप इस Oppo की तरफ से अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का टेक्निक्स पसंद आया होगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।